वेलकम टू ऑलमोस्ट टेक्सो गाइस। आज की स्टूडियो में बात करेंगे रियलमी 8 प्रो जो डिवाइस है, इस डिवाइस के लिए यार फाइनली एंड्रॉइड 12 और रियलमी वाई 3.0 का ऑफिशियल वर्जन को रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है। ये अपडेट एंड्रॉइड 11 यूजर्स को देखने को मिला या फिर नहीं, किन किन यूजर्स को यहाँ पर अपडेट देखने को मिला है, इस अपडेट का साइज क्या देखने को मिलता है, अपडेट के साइज के साथ साथ आपके डिवाइस में इस अपडेट के साथ में क्या कुछ नया चेंजेस देखने को मिला है, तो सारा कुछ वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर Realme 8 Pro डिवाइस के Android 12 और Realme 3.0 ऑफिशियल अपडेट के बारे में बात करें तो फर्स्ट टाइम उन यूजर्स को यहाँ पर ये अपडेट देखने को मिला है जिन यूजर्स का डिवाइस Realme 3.0 बीटा अपडेट पर रन कर रहा था, तो आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट के ट्रायल वर्जन पर आपको देखने को मिल जाएगा ये अपडेट। एंड यहाँ पर एंड्रॉइड 11 यूजर्स को भी यहाँ पर आज ही आपको अपडेट देखने को मिलेगा, तो आपको फटाफट से जाके सॉफ्टवेयर अपडेट में चेक करना है, वहाँ पर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। इस अपडेट की साइज के बारे में बात करें तो 4 GB के आसपास ये अपडेट आपको आपके डिवाइस में देखने को मिलेगा। अगर एंड्रॉइड 11 यूजर्स यहाँ पर आप चेक नहीं करते हो अभी, तो आपको ये अपडेट मतलब सीट फुल हो गई तो आपको ये अपडेट नेक्स्ट बैच में देखने को मिलेगा। तो यार इस अपडेट का वर्जन क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पर C.13 का न्यू वर्जन प्रोवाइड किया गया है जो कि बहुत बढ़िया है। एंड यहाँ पर आपके डिवाइस में इस अपडेट के साथ में यहाँ पर न्यू डिजाइन को प्रोवाइड किया गया है, नोटिफिकेशन पैनल आपको पूरी तरह से चेंजेस देखने को मिलता है और भी यहाँ पर आपको न्यू चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसा परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको क्विक लॉन्च को यहाँ पर ऐड किया गया है जो कि एक न्यू फीचर्स है। फिर यहाँ पर चार्ट डिस्प्ले यूर बैटरी यूजेस को भी यहाँ पर ऐड किया गया है, इम्प्रूव किया गया है आपके वाईफाई ब्लूटूथ एयर प्लेन मोड को, कैमरे में आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, मेनू बार को यहाँ पर चेंजेस किया गया है, जूम स्लाइडर को यहाँ पर आपको ऐड किया गया है, यहाँ पर सिस्टम में आपको ऑटो ब्राइटनेस में ऑप्टिमाइज किया गया है, एडप्ट स्क्रीन ब्राइटनेस को भी ऑप्टिमाइज किया गया है, कंफर्टेबल स्क्रीन रीडिंग एक्सपीरियंस को भी यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया गया है और एसेसिबिलिटी में भी आपको कई सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आपको फटाफट से ये अपडेट को अपने डिवाइस में अपडेट कर लेना है एंड Realme UI 3.0 ऑफिशियल वर्जन का लुक उठाना है। तो यार इस वीडियो में इतना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।